नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश गहलोत आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने दो पार्ट डाले जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके बारे में बात की थी। मित्रों, आज मैं बात करूँगा बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो बात करते हैं मित्रों बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू जो वर्तमान जिला कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ पड़ता है। वर्तमान में ये बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, जिला हो गया चित्तौड़गढ़। पहले ये रियासत किस रियासत के अंदर था, मेवाड़ रियासत के अंदर था। ठीक है, और बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और मित्रों, ये बेंगू किसान आंदोलन होने का कारण क्या, तो कारण था वही जो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें 84 प्रकार के लाग बाग के विरुद्ध था, इसमें 25 प्रकार के लाग बाग बेगार वकर के विरुद्ध। ठीक है, ये आंदोलन चलाया गया। मित्रों, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी। ठीक है, और पथिक जी ने। ठीक है, चौधरी व पथिक जी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक, और इनके बारे में बताया, रामनाथ चौधरी ये नीम का थाना सीकर से थे। कहाँ, नीम का थाना सीकर। इनके बारे में पूरा डिटेल समझा दिया आपको। ठीक है मित्रों, तो अब हम बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ मित्रों, उसका असर उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ा। उसमें बेंगू किसान आंदोलन एक था, तो मित्रों चित्तौड़गढ़ ये रहा, और यहाँ पे पड़ता है भिलवाड़ा। ठीक है, भिलवाड़ा में एक जगह है मैनाल, क्या नाम है, मैनाल, मैनाल। ठीक है, मैनाल जगह है, और यहाँ पे स्थान है एक भैरुकुंड स्थान। ठीक है, तो इस स्थान पे 1921 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई, मैनाल भैरुगंज स्थान है। ठीक है, 1921 में शुरुआत हुई, और मित्रों यहाँ रामनारायण चौधरी के नेतृत्व के अंदर लोगों ने निश्चय किया कि हम किसान लोग हैं जो बेगार नहीं देंगे। ठीक है, कर नहीं देंगे टैक्स जो है, और भी ये निर्णय लिया गया कि जो फसल है उसका कुत्ता नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, और मित्रों इसके बाद इन्होंने सरकारी कार्यालय थे उनका विरोध किया। ठीक है, अदालतों का विरोध किया, तो बहुत सारे कुल मिला के यहाँ पे विरोध करने स्टार्ट हो गए। और तो तभी यहाँ मेवाड़ के राजा थे, आपको पता है मेवाड़ राजा कौन थे, महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के शासक थे, आपको सभी को पता है, मैंने उस टाइम भी बता दिया था जब बिजोलिया किसान आंदोलन बताया, तो फतेह सिंह थे। तो ऐसी स्थिति देखकर ये भी घबरा गए, अंग्रेज भी घबरा गए, यहाँ तक कि इन्होंने आज जो शासन था थका थोड़ा अपने पुत्र के हाथ में सौंप दिया, जिनका नाम था भूपाल सिंह। ठीक है, कुछ शक्तियां इनको दे दी थी भूपाल सिंह को। फिर बढ़ते हैं आगे मित्रों और बात करते हैं, और इस प्रकार ये आंदोलन तेज हो गया, और तेज होने के बाद कई बार दमनकारी नीति अपनाई गई, किसके द्वारा, मेवाड़ सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और कोशिश की गई मित्रों कि जैसे तैसे करके इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। तो बहुत बार महिलाओं को पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया। ठीक है, और फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या हुआ कि इस बेंगू ठिकाने के
ठाकुर थे जिनका नाम था अनूप सिंह, ठीक है। तो लगभग 2 साल से आ रहे मित्रों, जो 2 साल से ये विद्रोह हो रहा था, तो मित्रों ठाकुर अनूप सिंह ने समझौता कर लिया, ठीक है, इनसे, इन किसानों से समझौता कर लिया, ठीक है मित्रों। ये समझौता जो हुआ मित्रों, ये किसी से बीच में हुआ, ठाकुर अनूप सिंह वसेल राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। और इस समझौते से जो मेवाड़ के महाराणा थे ये भी नाराज हुए, अंग्रेज भी नाराज हुए, और यहां तक कि मित्रों अंग्रेजों ने इस समझौते की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम था ट्रेंस आयोग, क्या नाम था, ठीक है। इस समझौते की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ, ट्रेंस आयोग गठित हुआ। और मित्रों इस ट्रेंस आयोग ने जो समझौता हुआ उस समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मित्रों इस समझौते को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, बोल्शेविक समझौता, ठीक है। रूस में समझौता हुआ बोल्शेविक समझौता, ठीक है, रूस में हुआ था। ये नाम दिया किसने, ट्रेंस आयोग ने बोल्शेविक समझौता नाम दिया। फिर मित्रों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और भी बातें मित्रों, बहुत सारे नेता थे इनकी गिरफ्तारी हो गई और बहुत सारे नेताओं को यहाँ से बाहर भी कर दिया, निर्वासित भी कर दिया। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेवाड़ सरकार ने मित्रों, एक मिनट, मेवाड़ सरकार ने जो गजट का प्रकाशन होता था, जो समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था, उन पे रोक लगा दी, जिसमें हम बात करते हैं मित्रों प्रताप वगैरह, ठीक है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, इन सब पे क्या लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है, जिससे जो मतलब ये आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन ने फैले नहीं, और भी मतलब बहुत सारे कारण थे। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं, इस समझौते के विरोध के अंदर 13 जुलाई 1923 को, ठीक है, 13 जुलाई 1923 को बोल्शेविक समझौते के विरोध में गोविंदपुरा गांव है, कहाँ पड़ता है ये, भिलवाड़ा के अंदर, गोविंदपुरा गांव भिलवाड़ा के अंदर एक सभा बुलाई गई, और इस सभा के अंदर रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ संबोधित कर रहे थे, रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़, ठीक है। और इस समय मित्रों अंग्रेजों ने इन पे गोलियां चला दी, और गोलियां चलाने के बाद रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए, ठीक है, और लगभग 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया और बेंगू जेल के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। और मित्रों ये बहुत ही एक दिल को झकझोरने वाली घटना थी, ठीक है। फिर मित्रों मेवाड़ सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई, और विज्ञप्ति प्रकाशित करवा के क्या लिखवाया कि किसान पंचायत है सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्था है, और वह किसानों को लगान देने से मना करती है, ठीक है, और इस कारण ट्रेंस आयोग ने किसानों से लगान वसूल करने तथा किसानों, ठीक है, लगान वसूल करने के लिए किसानों पर लाठियों से हमला किया गया, ये बात ये कही गई, ठीक है। और उसके बाद मित्रों 1925 ईस्वी के अंदर सरकार ने किसानों की बातें मान ली, ठीक है, और ये आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। तो मित्रों ये था कौन सा
मैंने आपको आंदोलन पर बताया, बेंगू किसान आंदोलन। इसी प्रकार और आंदोलन के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं मित्रों मेव किसान आंदोलन। मेव तो आपको समझ में आ गया होगा, मेव से मेव किसान आंदोलन की बात करें तो ये मेवात प्रदेश के अंदर हुआ। मेवात प्रदेश के अंदर कौन आते हैं? अलवर और भरतपुर। ठीक है, और इसका कारण ये था मित्रों, जो जंगली सुअर थे वो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते। ठीक है, और सरकार ने इनको मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अतः इन जंगली सुअरों के उत्पात से दुखी होकर ये आंदोलन हुआ, मेव किसान आंदोलन हुआ अलवर भरतपुर के अंदर। और इसका नेतृत्व किया था मित्रों, वो क्या था? चौधरी यासिन खान। चौधरी यासिन खान व मोहम्मद अली बेग। किसने? मोहम्मद अली बेग। ठीक है, 1921 के अंदर। ठीक है, ये था मित्रों मेव किसान आंदोलन। और उसके बाद ये नेतृत्व हुआ, आंदोलन हुआ, तो महाराजा को झुकना पड़ा और सोरों को मारने की इजाजत दी। बस यही था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मित्रों संतरत काल में दिल्ली के सुल्तान बलबन ने मित्रों मीणाओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया और यही कहलाए मेव मीणा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नोट के रूप में आपको एक्स्ट्रा बता दी। और मैं हम आंदोलन की बात करें तो एक दो आपको आंदोलन और बताता हूँ। मारवाड़ के अंदर वैसे दो आंदोलन हुए, उनके बारे में बात करते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन, तो मित्रों अभी आपको बताऊंगा मैं भील आंदोलन के बारे में, उससे पहले बता रहा हूँ। तो मोतीलाल तेजावत के एक आंदोलन किया था, एक ही आंदोलन। ठीक है, कौन सा एक आंदोलन किया था? एक ही आंदोलन किया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, उससे प्रभावित होकर मित्रों मारवाड़ के क्षेत्र है बाली और गोड़वाड़, ठीक है, वहां पर भी आक्रमण हुए। और उसके बाद बात करते हैं मित्रों, बात है मार्च 1947 ईस्वी की। कब? मार्च 1947 ईस्वी की। मारवाड़ में एक जगह है डाबड़ा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। मारवाड़ में जगह डाबड़ा, वो पड़ी है डिडवाना के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? डिडवाना के अंदर पड़ती है मित्रों। और यहाँ पे मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व के अंदर किसानों का एक सम्मेलन बनाया गया, बुलाया गया, मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, इसके नेतृत्व के अंदर किसानों का एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसके अंदर मित्रों मथुरा दास माथुर, राधा कृष्ण बोरा, द्वारका प्रसाद व नरसिंह कछवा, जिनको तात के नाम से भी जाना जाता है, जैसे नाता सम्मिलित है। ये पहले मैंने आपको बता रखा है, फिर भी जब वर्जावन पढ़ाए थे उस टाइम में, फिर भी आपको ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे डाबड़ा में जागीरदारों ने अत्याचार किया और यहाँ पे गोली चला दी, जिसके अंदर जो किसान थे जग्गू, चुनीलाल, मोतीलाल, पन्नाराम नामक ये किसान मारे गए थे। और जागीरदारों की ओर से मेहताब सिंह मारे गए थे, ये मैंने सब बता रखा है मित्रों, जब प्रजामंडल पढ़ा है उस टाइम में, फिर भी आपको बता रहा हूँ, इस मेहताब सिंह मारे गए थे। और मित्रों मथुरा दास ने डाबड़ा कांड के बारे में कहा था कि अपने राजनीतिक जीवन के 50 सालों में मैं जितना पीछे की ओर जाकर देखता हूँ तो मुझे डाबड़ा से बड़ी जगजोड़ने वाली घटना कोई नजर नहीं आती। ठीक है, किसने कहा था? मथुरा दास माथुर ने कहा था डाबड़ा कांड के बारे में। ठीक है, ये था मित्रों मावाड़ किसान आंदोलन। और मावाड़ के अंदर जोधपुर के अंदर
एक और आंदोलन हुआ था कहाँ पे, जोधपुर, ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था मित्रों जय नारायण व्यास, और चांदमल छुराना, ठीक है, किसने किया, जय नारायण व्यास और चांदमल छुराना, इसका रीजन क्या था मित्रों, ये तो मैंने पहले बता रखा है, फिर बता रहा हूं, कारण जो मादा पशु हैं उनको मारवाड़ से बाहर भेजना, मारवाड़ से बाहर, ठीक है, और एक रीजन था मित्रों माप तोल के विरुद्ध, ठीक है, 100 शेर से 80 शेर कर दिए थे माप तोल के विरुद्ध, ठीक है, 100 शेर से 80 शेर कर दिए थे मित्रों। तो ये था मावाड़ किसान आंदोलन मित्रों, आई होप समझ में आ गया होगा, पसंद आए तो अपन ये वीडियो है हमारा उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।